रेडियो खांची 90.4 FM, हम सबका रेडियो। मैं डॉक्टर कमल कुमार बोस, हिंदी विभाग अध्यक्ष, संजीवियर कॉलेज रांची। आज के वैश्विक संदर्भ में कुरुक्षेत्र की क्या प्रासंगिकता है, उस पर अपनी बातें रखने जा रहा हूं। ये टॉपिक स्नातक स्तर पर कोर पेपर के लिए और ACC पेपर के लिए, और साथ ही बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में जिनका और कुरुक्षेत्र पर जो बातचीत होती है उसके लिए भी ये टॉपिक महत्वपूर्ण हो सकता है। कुरुक्षेत्र दिनकर का एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसमें मानव जीवन और मानव जीवन की तमाम उलझनों, युद्ध और शांति की समस्या जो एक वैश्विक समस्या है, उस पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया है। विज्ञान की ज़रूरत, विज्ञान की अहमियत, प्रकृति की महत्ता और इन तमाम बातों पर विचार करते हुए दिनकर ने युद्ध और शांति के मसले के आधार पर न्याय, शांति, धर्म, अधर्म जैसे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और आज के परिप्रेक्ष्य में उन पर अपनी दृष्टि दिनकर ने रखी है। मुख्य रूप से इस पुस्तक में, इस टॉपिक में जिस बात पर जोर देना चाहते हैं वो ये कि आखिर युद्ध जरूरी है या अथवा नहीं, युद्ध अगर जरूरी है तो किन परिस्थितियों में युद्ध की जरूरत है, वास्तविक शांति हम किसे कहते हैं, समाजवाद, साम्यवाद की क्या जरूरत है आज की तारीख में, और आज के कंटेक्स्ट में, आज के परिप्रेक्ष्य में जब विज्ञान चरमोत्कर्ष पर है, विज्ञान की सुविधाएं से हम सभी मनुष्य लैस हैं, ऐसी परिस्थिति में आज मनुष्य अपनी मानवता को किस हद तक बचा पाने में समर्थ है, और अगर मानवता ही समाप्त हो गई तो फिर मनुष्य के होने का क्या अर्थ है। इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे, संक्षिप्त में अपनी बातें रखेंगे। आज के संदर्भ में दिनकर का कुरुक्षेत्र, इसमें कोई संदेह नहीं कि दिनकर का काव्य कुरुक्षेत्र महाभारत की कथा का पुनर्लेखन नहीं है, बल्कि नवयुग को नूतन चेतना देने का एक सार्थक प्रयास है कि युद्ध किसी देश या समाज की समस्याओं का समाधान नहीं है, समाधान है मानव का मानव बने रहने में। ये सत्य है कि कुछ विकृत शक्तियां समय समय पर युद्ध को थोप देती हैं, लेकिन ऐसी शक्तियों वाले स्वयं के विनाश का भी कारण ही बनते हैं। कौरवों ने युद्ध की स्थिति पांडवों के लिए पैदा की, कौरवों का विनाश हो गया, लेकिन पांडव तो जीत कर भी हारे हुए प्रतीत हुए। क्या मिला उनको? परिवार में विधवाओं का विलाप, अपने लोगों के खून से रंगे उनके हाथ, और एक दिन मानसिक रूप से घायल पीड़ित पांडवों को जीवित स्वर्गारोहण करना पड़ा। कुरुक्षेत्र में हुए युद्ध का परिणाम प्रजा के लिए भी सुखद रहा हो यह मुमकिन नहीं। युद्ध के बाद एक बर्बाद देश, एक कमजोर देश, एक वैभवहीन देश शेष रह गया था। भूख और जिल्लत झेलती हुई प्रजा रह गई थी, जिसका राजकाज में बस सेवक का ही स्थान था, चाहे राजा कोई भी हो। अब इस आधुनिक युग को भी द्विश्व युद्ध झेलने के बाद यह मान लेना चाहिए कि युद्ध किसी समस्या का समाधान कतई नहीं है। यही कारण है कि दिनकर ने अपने इस काव्य में कुरुक्षेत्र में हुए युद्ध के बाद की स्थितियों की मार्मिक विवेचना प्रस्तुत की है। इस विवेचना के लिए दिनकर ने महाभारत के सभी पात्रों को नहीं लिया, बल्कि मात्र युधिष्ठिर और भीष्म को ही लिया। कांति मोहन शर्मा ने इसे काव्य कला के संदर्भ में देखा। दिनकर ने महाभारत के कथानक से केवल दो ही पात्रों का आधार लिया है अपनी बात कहने के लिए। कवि युधिष्ठिर और भीष्म के बिना भी कह सकता था, परंतु तब ये प्रबंध काव्य न बनकर मुक्तक बन जाता। वस्तुतः दिनकर को भी यही कहना उचित लगा था कला की दृष्टि से, किंतु इस काव्य के भाव की गहराई में जाने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि महाभारत में भीष्म और युधिष्ठिर दो ऐसे चरित्र हैं जो महाभारत की कथा में हर पल आकुल व्याकुल रहे हैं। उनकी आकुलता युद्ध की विभीषिका और परिणाम के कारण भी हैं, और इसी परिणाम को दिनकर ने अपने उद्देश्य का मार्ग बनाया है ताकि युद्ध की अनिवार्यता की विवेचना की जा सके। युधिष्ठिर की आकुलता तब प्रस्फुटित होती है जब युधिष्ठिर मृत्युशैया पर पड़े भीष्म की शरण में जाते हैं। उनको देखकर भी वे युद्ध के लिए स्वयं को दोषी मानते हैं और ग्लानि में आकंठ डूब जाते हैं।
युद्ध का कारण अगर राष्ट्र की रक्षा न होकर राष्ट्र के भौगोलिक विस्तार से जुड़ा हो, शासक के स्वार्थ से जुड़ा हो, तो युद्ध विनाशकारी ही होगा। आधुनिक जगत को तलवार रक्षक की भूमिका में ही स्वीकार होनी चाहिए। दिनकर ने अपने कुरुक्षेत्र में युधिष्ठिर और भीष्म के बीच के संवाद को आज के संदर्भ में उपस्थित कर युद्ध, शांति और संदर्भित प्रसंगों की विवेचना की है, ताकि दुनिया युद्ध के यथार्थ को समझ सके, ये स्वीकार करे कि युद्ध समस्या का समाधान कभी नहीं है, बल्कि वह तो समस्याओं का विस्तार है। जीतने और हारने वाले दोनों पक्षों के लिए युद्ध का ये शाश्वत सत्य है, जिसका गवाह इतिहास का हर काल देखता और महसूस करता रहा है। दिनकर ने स्वयं भी कहा है कि युद्ध निंदित और क्रूर कर्म है। विष्णु सर्वदे कहते हैं कि दिनकर को तब युद्ध की विभीषिका को लेकर चिंता बढ़ी जब वे कलिंग विजय की रचना कर रहे थे। कुरुक्षेत्र की रचना के पीछे मुख्य प्रेरणा कलिंग विजय को माना जा सकता है। महान शांति दूत के मार्ग पर चलने वाले सम्राट अशोक को अपनी कविता का विषय बनाते हुए जब दिनकर कलिंग विजय की रचना कर रहे थे, उसी समय उन्हें युद्ध के विनाश के कारण प्राप्त हुए और कवि ने कुरुक्षेत्र लिखने की बात सोची। ये सत्य है कि इतिहास के सत्यों से गुजरकर ही कोई राष्ट्र अपनी हार और जीत का अर्थ, अपने स्वार्थ और परमार्थ का अर्थ जान सकता है, अपना कर्तव्य जान सकता है, अपना अधिकार जान सकता है। शंभुनाथ पांडे यह मानते हैं कि कुरुक्षेत्र में दिनकर ने प्रगतिशीलता का परिचय दिया है। दिनकर ने कुरुक्षेत्र में प्रगतिवादी विचारों को अभिव्यक्ति दी है और उनकी विचार भूमि मार्क्सवादी विचार भूमि है, लेकिन वस्तुतः उनका दृष्टिकोण इतिहास और मानवीय व्यवहार पर आधारित है। वैसे कुछ आलोचकों ने इस काव्य को भारतीय संस्कृति को प्रतिबिंबित करने वाला काव्य मानते हुए प्रगतिवादी चिंतन वाला भी माना है। कुछ आलोचक हैं जो कुरुक्षेत्र को भारतीय संस्कृति से प्रभावित मानते हैं तथा जिन्हें समाजवाद के सर्वथा व्यापक रूप के प्रति भी दिनकर की निष्ठा स्वीकार है। वे हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, श्री शिवचंद्र शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर देवराज जैसे आलोचक। इन आलोचकों में नगेंद्र पहले प्रगतिशील या मार्क्सवाद से प्रभावित थे, लेकिन बाद में भी भारतीय संस्कृति में ही भारत के लिए योग्य और उचित प्रगतिशीलता देखने लगे। ये सत्य है कि दिनकर भारतीय संस्कृति के सुंदर तत्वों के प्रति बहुत आकर्षित रहे हैं और यह उनकी पुस्तक संस्कृति के चार अध्याय में दिखता भी है। वे संवेदनशील भारतीय हैं और गांधी और बुद्ध भी उनकी चेतना में व्याप्त रहे हैं। वे अध्ययनशील होने के कारण दुनिया की सभी बड़ी घटनाओं और साहित्य से भी सान्निध्य रखते रहे हैं और यही कारण है कि उनके कुरुक्षेत्र पर रसेल का भी प्रभाव परिलक्षित होता है। विष्णु सर्वदे लिखते हैं, दिनकर ने कुरुक्षेत्र लिखते समय रसेल के साहित्य का अध्ययन किया था। रसेल निर्भीक और स्वतंत्र प्रकृति के लेखक हुए हैं। वो दो प्रकार के विचारक हैं, एक तार्किक और दूसरे मानव सूचनतक के रूप में। दिनकर ने उनके जिन विचारों को ग्रहण किया है वह है मानव का शुभचिंतक रूप, मानव का कल्याणकारी रूप। भारत को आज़ादी के बाद शुभचिंतक और शुभचिंतन दोनों की जरूरत थी, यह दिनकर जानते और महसूस भी करते थे। एक शुभचिंतक के रूप में दिनकर ने भारत के जन समुदाय को शुभचिंतन से युक्त काव्य कुरुक्षेत्र दिया। रसेल ने कहा है कि जनता और बौद्धिकों के बीच सामंजस्य हो तो नागरिक जीवन और कर्म में सद्भाव के साथ जीवन विकास के पथ पर प्रगति कर सकता है। एक के बिना दूसरा अपूर्ण है और दोनों के समुचित सामंजस्य के बिना जीवन का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। इसी विचार को मूर्त रूप देते हुए कवि दिनकर ने नागरिकों को कुरुक्षेत्र के इस पद में जीवन के वे सूत्र दिए हैं जो मानव को सौम्यता और शांति प्रदान करता है। व्यक्ति का धर्म है तप, करुणा, क्षमा। व्यक्ति की शोभा विनय भी, त्याग भी, किंतु उठता प्रश्न जब समुदाय का, भूलना पड़ता हमें तप त्याग को। दिनकर ने कहा है कि मनुष्य की मनुष्यता
तप करने यानी अनुभव कर अपने लिए और अपने समाज के लिए एक अच्छा विचार बनाने में निहित है। तो करुणा, क्षमा, विनय, त्याग जैसे गुण आदमी को जीवन के प्रेम भाव के साथ जीने का पथ दिखाते हैं। कुरुक्षेत्र के इस पद में कवि ने भारतीय संस्कृति के तत्वों और गांधीवाद और असेल दोनों के विचारों को अंतर्निहित किया है। ये विचार भारतीय संस्कृति को, भारतीय समाज को नूतन चेतना देने के लिए आवश्यक है। कवि की चाहत है किसी प्रकार फैले पृथ्वी पर करुणा, प्रेम, अहिंसा। भारत के बंटवारे के समय हुए रक्तपात और कारुणिक दृश्यों को दिनकर ने देखा है। देखा है कि कैसे आदमी आदमी के खून के प्यासे हो गए थे, कैसे आदमी में आदमी के प्रति करुणा मिट गई थी, कैसे एक आदमी दूसरे आदमी को संकीर्ण दृष्टि से देखते हुए विभेद करने लगा था। वो इस धर्म का है, ये उस धर्म का है। वो ये भाषा बोलता है, वो उस भाषा को बोलता है। वो ईश्वर को मानता है, वो इस ईश्वर को मानता है। ऐसे विभेद के विचार ने समाज में अनेक दीवारें खड़ी कर दी थी। गांधी जी समेत पूरा विश्व चिंतित था कि कैसे एक आदमी दूसरे आदमी को आदमी की तरह देखने लगे, कैसे दुनिया में अमन चैन बने, मानव प्रगति की ओर बढ़े और मानवता की सेवा करे, कैसे पृथ्वी युद्ध की विभीषिका से बचे, कैसे एक आदमी दूसरे आदमी का सहयोगी बने। कुरुक्षेत्र के विश्व ने वैसे अहिंसा को परम धर्म माना, लेकिन जब हिंसा से न्याय लेना जरूरी हो तब तलवार की भूमिका मानवीय हो जाती है। एक रक्षक के हाथ की तलवार और एक हत्यारे के हाथ की तलवार से किए गए कर्म में पर्याप्त अंतर होता है। कुरुक्षेत्र के इस पद को जरा देखा जाए। किसने कहा पाप है समुचित, सत्य प्राप्ति हित लड़ना, उठा न्याय का खड्ग समर में, अभय मारना मरना। इस पद में दिनकर एक व्यवहारिक बात को उपस्थित करते हैं कि अहिंसा तब तक ही आदमी का धर्म होता है जब तक अहिंसा की शक्ति हिंसा की शक्ति को लज्जित कर सकती है, उसे पराजित कर सकती है। लेकिन जब तलवार उठाना अनिवार्य हो जाता है, जब कोई शक्ति किसी समुदाय पर हिंसात्मक आक्रमण करने आ रही हो और उसका लक्ष्य एक कौम को गुलाम बनाना हो, ऐसे में अहिंसात्मक मोर्चाबंदी घातक हो सकती है और तब मानवता की हानि हो सकती है। इतिहास गवाह है कि जब महाराजा अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और हथियार त्याग दिया तो भारत आक्रांताओं के सामने कमजोर पड़ गया। ये विचार वस्तुतः गांधीवाद का विरोध नहीं है, बल्कि यह गांधीवाद को इस अर्थ में संपुष्ट करता है कि अहिंसा तब तक एक बड़ी शक्ति है जब सामने कोई ऐसा शत्रु या पक्ष हो जो सुनने के लिए तैयार हो, मानवीय गुण इसमें शेष हो। लेकिन जब बर्बर शक्ति आक्रमण करे तब तलवार उठाना पाप कर्म नहीं बल्कि शत्रु की अमानवीयता को नष्ट करने के लिए आवश्यक है। महाभारत के भीष्म तो दलित के विरोधी थे, लेकिन दिनकर के भीष्म उनके पक्षधर और दलित क्रांति के प्रस्तावक हैं। पातकी न होता है प्रबुद्ध दलितों का खड्ग, पातकी बताना उसे दर्शन की भांति है, शोषण के श्रृंखला के हेतु बनती जो अशांति है। दिनकर के भीष्म प्रगतिशील चिंतन से युक्त हैं। उन्होंने घटोत्कच और कर्ण का शौर्य देखा है और स्वीकार कर लिया है कि शोषितों द्वारा तलवार लेकर न्याय की मांग करना अनुचित नहीं है। जब किसी समाज में शोषण की श्रृंखला चल रही हो तो शांति की आशा नहीं की जानी चाहिए। शोषण का मुख्य कारण है संकीर्ण मानसिकता जो विभेदकारी होती है, और यही मानसिकता शांति का और प्रगति की अवरोधक है। वे बराबरी वाले समाज की कल्पना करते हैं और कहते हैं, शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। कवि भीष्म के माध्यम से मंतव्य प्रस्तुत करते हैं कि समाज में शांति तब तक संभव नहीं है जब तक आदमी और आदमी के बीच विकास के समान अवसर न बनाए जाएं, सबको बुनियादी सुविधाएं न मिलें, साथ ही आर्थिक विषमता भी सामान्य स्तर का ही होना जरूरी है। किसी को आज़ादी का लाभ हर स्तर पर प्राप्त हो
और कोई समस्त लाभों से वंचित हो तो समाज में अनिष्टकारी असमानता बनती है और ऐसी स्थिति समाज के लिए घातक होती है। श्रेय होगा धर्म का आलोक व निर्बंध, श्रेय होगा धर्म का आलोक व निर्बंध, मनुष्य जोड़ेगा मनुष्य से जब उचित संबंध। धर्म कहता है कि जो मनुष्य दूसरे मनुष्य को मनुष्य की तरह नहीं देखता वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य की पहचान उसके आचरण में है, उसके व्यवहार में है। कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ प्रेम का संबंध बनाता है या घृणा का, यह विवेचित करने के बाद यह कहा जा सकता है कि घृणा मनुष्य से उसकी मनुष्यता छीन लेती है। जब माता पिता और संतति, पति और पत्नी, मनुष्य और समाज, सत्ता और नागरिकों में अगर प्रेम और आपसी सहयोग के आधार पर संबंध बनता है तो परिवार, समाज और राष्ट्र शांति के विकास की ओर उन्मुख होता है। यही मानव की शाश्वत चेष्टा है, संकल्प है, जो मनुष्य की अनेकता के कारण अवरुद्ध होती है। दिनकर ने इस पुस्तक में विज्ञान की अहमियत पर बल दिया है, लेकिन उस विज्ञान के उस आचरण पर भी दिनकर ने शंका व्यक्त की है कि विज्ञान मनुष्य को कमजोर, मनुष्य को आत्मविश्वास से दूर और मनुष्य के लिए घातक बनता है। प्रकृति सर्वोपरि है, प्रकृति की महत्ता भी दिनकर ने स्वीकार की है और कहा है यदि विज्ञान मनुष्य के लिए उत्थान का कारण बने तो विज्ञान जरूरी है, लेकिन प्रकृति में जो तथ्य हैं, जो तत्व हैं, उन्हें समझना और उनके मुताबिक अपनी प्रकृति को ढालना ये उचित है। इसलिए कहते हैं कि प्रकृति की शक्ति को न समझ सका इंसान, विज्ञान की क्षमता को ही समझा श्रेष्ठ और महान। सिखाया प्रकृति ने बार बार कि जिंदगी की हर तपिश को मुस्कुरा कर झेलिए, क्योंकि धूप कितनी भी प्रखर हो समंदर सूखा नहीं करते।